अक्षय तृतीया की तैयारी को लेकर महिलाओं ने गहनों के लिए बाजार में खरीदारी जोरों शोरों से शुरू कर दी। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार मांगलिक कार्यों और शुभ खरीदारी के लिए अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ माना गया। इस बार 7 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन नई खरीदारी के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की भाषा में ये दिन बेहद विशेष होता है। ऐसे में इस दिन खरीदारी करने पर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोना घर पर लाने से सोने के रूप में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर पर हमेशा के लिए निवास करने पहुंचती हैं। अक्षय तृतीया पे खरीदारी करने पहुंचे हैं और ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पे अगर हम कुछ गोल्ड का डायमंड कुछ भी खरीदते हैं तो काफी शुभ होता है और काफी अच्छा माना जाता है। और वैसी लेडीज लोगों को तो डायमंड वैसी और गोल्ड वैसी पसंद है, तो क्यों ना अक्षय तृतीया पे ही खरीदा जाए। सोने को हमेशा से ही बहुमूल्य धातु और धन समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है, इसलिए अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना गया। वहीं दुकानदारों ने भी नई किस्म की ज्वेलरी के डिजाइन बाजार में उतारे हैं। तृतीया पे नए नए कलेक्शन हमारी कंपनी हर साल की तरह लॉन्च करती है। इस बार हमने नए कलेक्शन लॉन्च किए हैं। इस बार जो हमारा सबसे बढ़िया कलेक्शन आया वो स्वयं कलेक्शन अक्षय तृतीया को टारगेट करके आया। ये प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का भी है, प्लस डायमंड भी इसमें है। इसमें काफी नई विविधता है। ओल्ड हेरिटेज को लेकर बनाया गया कलेक्शन है और काफी अच्छा कलेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो आपको काफी कलेक्शन। सोने की तुलना सूर्य से की जाती है। अक्षय तृतीया पर सूरज देवता सबसे तेज चमकते हैं। सोना खरीदना शक्ति और ताकत का प्रतीक माना गया है। वहीं अमीर लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और गरीब लोगों को इसका नाम तक नहीं पता। संवाद 360 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।